बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। यार वीडियो के स्टार्टिंग में एक मैं तमाम परदेसियों से यार मेरी गुजारिश है, मेरी मैं बोलता हूँ आपकी मिन्नत कर लेता हूँ यार। मैं भाई तू कॉल कर ले, व्हाट्सअप नंबर मुख्तलिफ वीडियो में आपको दिखाता हूँ। भाई यकीन कीजिए हज़ारों के हिसाब से मैसेज है मेरे व्हाट्सअप के ऊपर और खाना खाने का टाइम भी बंदा लगा भी रहे ना तब भी ये मैसेज ख़त्म नहीं होते हैं यार। जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता या लेट मिलते हैं उनके उनसे माजरत खवाऊँ यार, मैं यही मुश्किल है। बहरहाल जी मेरी गुजारिश ये है तमाम परदेसियों से, हवाला होंडी बहुत से भाई पैसे भेजते हैं यार, मत भेजें। एक रेट आपको कम दे रहे हैं, दूसरा पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तान में रोज़ आती हैं ऐसी पिक्चर कि इतने लाख रुपए, इतने सऊदी रियाल, इतने डॉलर। यार आप ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ मैं यार, आप जिसके थ्रू होंडी के थ्रू पैसे भेजेंगे ना, अगर उनका कोई बंदा पकड़ा गया ना तो भाई वो आपके पैसे डूब जाएंगे। सऊदी में पकड़ा गया तो शायद आपको भी साथ में पकड़ा दे, पाकिस्तान में पकड़ा गया तो फिर भी कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं है आपके पैसों की, क्योंकि लीगल काम ही नहीं है वो, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो यार 10-10 रियाल भी जो हम कमाते हैं ना भाई, वो भी बहुत मेहनत से मिलते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं तमाम परदेसी। लीगल तरीके से भेजें, कोई दोस्त अखबाब अपना भाई ढूंढ लें जिसका इकामा वैलिड हो, उसकी मिन्नत से माजत कर लें यार, ये सेफ रखें, रेट तो बढ़ने वाला है। बहरहाल डॉलर के मतलब छोड़ो, संडे स्टेट बैंक क्लोज, हम भी क्लोज, रियाल के मतलब बात करेंगे। आज का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको बता दूं पहले भाई मैं, वो है जी आज का 74 रुपए 31 पैसे, अगर इंडिया की बात करें 22 रुपए 29 पैसे, बांग्लादेश टके की बात करें 29 टके 46 पैसे। अच्छा एक भाई मुझे कमेंट करके, अक्सर एक कई भाई बोलते हैं या दिरहम के मतलब भी बताया करें, इंशाल्लाह दिरहम भी आपको शॉर्ट सा मैं बता दिया करूंगा यार मुख्तलिफ वीडियो में। अच्छा जी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं, वैसे ओपन मार्केट की बात करें पाकिस्तान में तो 75 रुपए प्लस में रेट है जी। और ये जो हफ्ता शुरू होने वाला है इस हफ्ते में, आपको पता है कल वो नवाज शरीफ आया पाकिस्तान में, तो हो सकता है कुछ इतना ज़्यादा असर ना हो इस हफ्ते में, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में फिर काम ऊपर ही ऊपर जाएगा। बहरहाल जी देखते हैं, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर बात कर लें तो एसटीसीबी की अगर बात करें, इनका आज का रेट 73 रुपए 82 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपए 7 पैसे रेट दे रहा है 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर तहवील राजी राजी बैंक की बात कर लें तो इनका आज का रेट 73 रुपए 54 पैसे भाई 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम वाले भाई 73 रुपए 76 पैसे रेट दे रहे हैं 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। एंड अगर बात करें टैली मनी यानी कि ANB बैंक की, तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपए 98 पैसे तकरीबन 74 रुपए और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर फौरी बैंक, बैंक जजीरा की हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपए 86 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी भी। और अगर इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक आज का जो रेट है वो 73 रुपए 34 पैसे दे रहा है। कल एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि इंजाज मोबाइल ऐप से कोई आपकी फीस नहीं लगेगी, वो भाई मुझे बोल रहा था फीस काट रहे हैं। भाई अपनी ना जो ऐप है उसे अपडेट कर लें, और रेट भी साथ में मुझे बता रहा था 73 रुपए 26 पैसे तकरीबन। तो बहरहाल अगर बात करें क्विक पे की, तो क्विक पे का भाई आज का जो रेट है वो 73 रुपए 74 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। ओवरऑल 74 के करीब बैंकों में एंड पाकिस्तान में 75 राउंड में ओपन मार्केट में, और आने वाले 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मुझे लगता है कि रियाल में 2-3 या इससे भी ज़ायद का इजाफा हो सकता है।